सुबह के 11 बजे हमें भटकना पड़ा है इस जंगल में। तो हमारे नीरज महाशय ने अपने गाय और बैल दोनों को खो दिया है। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ में। इन पहाड़ों के इस सुहाने मौसम के बीच अभी जा रहे हैं हम राशन लेने, जो सरकारी राशन मिलता है उसको लेने जा रहे हैं। मैं हूँ, मेरी बहन तो चलेगी आगे और मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। राज और ऋतिक का, उन दोनों का कॉल आया था मुझे कि हमें भी रुक जाना, हम भी आ रहे हैं, तो उनका वेट करेंगे। और शाम को तो आज बारिश हुई थी और चारों तरफ तो सफ़ेद चादर से घिरी हुई घिरा हुआ ये कोहरा लगा हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं जेंटा, यहाँ पे है ये ऋतिक सिंह, अभी अपना कट्टा बांध रही है सुमन, और इतनी भीड़ लगी हुई है राशन लेने के लिए। अरे कंफ्यूज इंसान बेतौर यार, सुबह रवाना 18 के बजे मिलने वाला है। आज करो लड़ाई उड़ दंग मचो। अरे मैं ये लिखा, मैं ये लिखा, अरे ये बिना डर खड़ी, ये आज है चोंगी इतनी इतनी कंदम अब के माने हमें जो है पान की कोनी बिजू ने तो आदर करो भाई, 36 किलो 88 किलो हमें 30 किलो ले जानो। बड़ी लड़ाई करने के बाद अब राज को ये ले जाना पड़ा और गेहूं का कटा उसने उधर रख दिया, वो शायद शाम को ले जाएगा। बड़ी बहस और लड़ाई करने के बाद सबके पास है छोटा छोटा कटा, सबसे ज़्यादा राज ले जा रहा है। राज ने 20 किलो चावल के दो हिस्से कर रखे और 5 किलो अपने को ले जा रहा और 15 किलो उसके पास दे रखा, और बाकी ये जा रहे हैं सब राशन ले के। सब पतच तो डांड बुद्धिस्ती पर आप बेस्ती करे के तो सब का पाप है बेतौर बोली आ फिर हरित काल आधा बेस्ती आधा हरित काल कवर। हाँ भाई, 22 को जब डूबे मिल जाएंगे और 18 मिल जाएंगे, हमें छोटे छोटे दिन। सुबह के 11 बजे हमें भटकना पड़ा है इस जंगल में। तो हमारे नीरज महाशय ने अपने गाय और बैल दोनों को खो दिया है। वो पता नहीं बैलों को छोड़ के गप्पा में लग गया और बैल उसके यहाँ चले गए। तो यहाँ पता नहीं कितनी दूर गए थे, वहाँ नीचे से नीचे पर पैर के निशान भी थे और गोबर भी था, इसी अनुमान से हम यहाँ आए हैं। मैं हूँ और नीरज दोनों आए हम अभी। एक घंटे की मेहनत के बाद नीरज के बैल आखिरकार मिले गए। तो हमने पूरा जंगल छान मारा, तब जाके जब हम नेटवर्क में, तो उसकी मम्मी का फोन आया और कहा कि बैल तेरे घर पहुंच गए। तो बैल पता नहीं किस रास्ते गए, इस समय बैल वहाँ पे हैं, उसके वहाँ पे हैं। और हम जो गर्मी से ऐसा हाल था, इतना बड़ा जंगल पता नहीं कहाँ कहाँ छान मारा हमने, फिर जाके उनके पैरों के निशान मिले। आज दौड़ना बंद बंद बोले तो आज नहीं जाऊँगा, क्योंकि आज पकड़ा है मैंने ये। तो आ जाएंगे हम खेतों में हल जीरा डालने, तो चलो आपको भी दिखाते हैं आज की हल जीरा कैसे डालते हैं और आपको हल के चीरे भी बताएंगे। बैलों को ले जाया जा रहा है खेत और इनके घंटे के अंदर भी मैंने घास डाला है जिससे घंटी ना बजे, और जो डांस होते हैं बड़ी वाली मक्खी जो इन्हें काटती है तो वो इन पे ना आए, इसीलिए घंटे के अंदर घास डाला हुआ है और मुँह पर लगाया हुआ है बुझड़ो बोले तो मुआ बोलते हैं इनको, जिससे वो घास ना चरे। ये लगाया जा रहा है यहाँ पर हल चीर। ये रहते इसके चीरे, एक इस साइड और एक इस साइड, बीच में ये बचा रहता है। तो इतना तो ये कुदाल से भी कर लेते हैं जितना इस समय किसान बनने पर, इन्हें एक सुविधा चाहिए सरल, नहीं तो ऐसे खोद कर भी इन्हें थोड़ा उखा लेते। ये अभी आए हम दूसरे खेत में और ये वाला खेत हमने करीबन के 20 मिनट में लगाया, 20 या 15 मिनट में ऐसे कुछ लगाया। तो चीरे कुछ ऐसे होते हैं, माने कि करीबन के 5-6 इंच का गैप होता है उसके बीच में, नहीं तो पूरा खेत ख़त्म हो जाएगा। तो अभी ये खेत है, उसके बाद ये वाला खेत है, फिर ये वाला खेत है, और उसके बाद ऊपर वाला खेत है, उसके बाद छुट्टी। तो जहाँ हल नहीं जाता है वहाँ ऐसे खोदते हैं, ऐसे करके ऐसे
जहाँ पे बको होता रहता है, मैंने कि जहाँ पे ज्यादा होता है वहाँ पे कैसे कम करना, उन्हें ज्यादा क्या खोदना जान भी नहीं है हमको उतनी, क्योंकि हमारा तीसरा खेत है और बस ऐसे मैं लगभग हो गया हूँ। यहाँ ज्यादा हो रखा तो यहाँ ऐसे करे खोदेंगे, ऐसे करके उपार देंगे, कुछ नहीं होता ऐसे उपारने से। इस खेत में हमने जितना खेल खेलना था खेल लिया, कुछ इससे खेला और कुछ इनसे खेला, तभी है ये हमारा है चौथा खेत और अब इसमें जाएंगे हम। सांस काफ़ी ज़्यादा फूल गई मेरी, तो अभी पापा लगे वहाँ पे बैल जोतने पे। इधर साइड हमने हलचीरा पूरा लगा दिया और अब जा रहे हैं यहाँ आगे की बारी, जहाँ है जहाँ का नाम है आंखोड़ा, यहाँ का नाम आंखोड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ अखरोट के पेड़ है। तो आज यहाँ पूरा कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हमारा दो दिन का और बच रहा तो वो हम कल सुबह और कल शाम को पूरा कर देंगे। ये है हमारे खेत के किसान और यहाँ पे लगाया जा रहा है ये हल, तो ये वो डब्बा गुस्सा दराती कुदाल पकड़ के इधर उधर घूम रहे हैं, इन्होंने अभी तक एक भी कुदाल नहीं चुका है इस खेत में, जैसे का वह सारा खेत। आज हमने छह खेत पूरे कंप्लीट कर दिए हैं और इस समय पापा भी बैलों को खोल रहे हैं और थोड़ा देर यहाँ पर चराएंगे और उसके बाद बैलों को घर ले जाएंगे, धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।